गुसाला उसी माना में जो पहले हमने बयान कर दिया, ठीक है ना, उसके ऊपर हुक्म लगाया जाता है निजासत का मुतलकन, यानी जो गुसाला होता है, जो पानी कपड़े ने जज्ब किया हुआ है, जो उसके अंदर मौजूद है, वो नजिस है। चाहे उसके पानी निकलने के बाद कपड़ा पाक हो जाए, तब भी उसका गुसाला क्या होगा? नजिस होगा। मिसाल के तौर पर खून से अगर कोई कपड़ा या बदन नजिस हो जाए, तो एक दफ़ा पानी बहाने से वो क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। अगर हम कलील पानी से धोएंगे, तो जब एक दफ़ा पानी उसके ऊपर बहाएंगे, तब क्या होगा? वो कपड़ा पाक तो हो जाएगा, लेकिन कपड़ा कब पाक होगा? जब उसके अंदर जो गुसाला मौजूद है वो निकल जाएगा। तो जब वो गुसाला हम निकालेंगे, निचोड़ेंगे उसको, तो ये कपड़ा पाक हो जाएगा, लेकिन इसमें से जो पानी बह कर गया है वो क्या होगा? वो नजिस होगा। इसे कह रहे मुतलकन। या फिर मिसाल के तौर पर पहली मरतबा या आखिरी मरतबा फर्क नहीं पड़ता, जो गुसाला है उसको हमेशा का हमेशा वो नजिस ही रहेगा। हत्ता फी गसलत लती तताअक्कदुहा अत्तहारतुल महल। ये वही मिसाल मैंने इसी की आपको दी थी। हत्ता कि ये धोना वो वाला हो कि जिसके बाद तहारत निकल के आ जाए, ठीक है, आसान तर्जुमा करते हैं। मिसाल के तौर पर जी ताताअक्कुद जिसके पीछे आ जाए तहारत, यानी जिस मरतबा आपने उसको धोया कपड़ा, मिसाल पेशाब की मिसाल तो आज़ान वाज़े होगा, पेशाब के जरिए से अगर कोई कपड़ा नजिस हो या बदन नजिस हो, तो दो दफ़ा कलील पानी डालने से वो क्या होता है? पाक होता है। एक दफ़ा पानी डाला, ये क्या है? अभी भी नजिस है, उसका गुसाला भी नजिस है। अब दूसरी दफ़ा जब मैं पानी डालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये पाक हो जाएगा। कब पाक होगा? जब, चूँकि कलील पानी में गुसाले का जुदा करना ज़रूरी अभी अपने ऊपर पड़ा, तो जब हम इसको निचोड़ने के जरिए से इसका पानी निकाल देंगे, तो ये कपड़ा क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। कह रहे हैं निचोड़ने के जरिए कपड़ा पाक हो गया है, लेकिन इसमें से जो गुसाला निकला है वो नजिस है। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इस आखिरी लाइन में कि हत्ता फिर गसलत, हत्ता कि उस धोने में भी वो गुसाला नजिस होगा कि जिस धोने के पीछे तहारत चल के आ रही है, ठीक है। अब गसलत गैर मुज़ीलत लिअन्न निजासत, ये दूसरी मिसालें वाज़ह हैं। या वो धोना हो कि जिसमें अन्न निजासत जो है ना वो ज़ाहिल ही नहीं हुई है, तो वाज़ह सी बात है, अन्न निजासत ज़ाहिल नहीं हुई है तो फिर नजिस हो गई होगा। अरे अलामत लुज़ूम फिर मौरिद हैं, ये जो दोनों आखिर मौरिद हमने बताए आपको कि जिसमें गुसाला नजिस है, ये कौन सा मौरिद है? ये वो मौरिद है जिसमें एहतियात लाजिम है, फतवा नहीं है, ठीक है, सही। बाकी वाज़ह हम डायरेक्ट पढ़ते हैं अभी सानी पे, वाज़ह हर चीज़ वाज़ह नहीं। ये मैंने मसले पढ़ाए थे ना, ये मसले पढ़ाए थे अच्छा चले पढ़ा दो। 47 गुसाला तो माउल, ठीक है ना, मा उस्तिंजारी महकूमन बेहुक्म सायरुल गसलात गुसलाती वलाकिन ला यजिबुल इस्तिनाबु अन मुलाकीही इल्ला फी सुवरिन वाहिदा। अब क्या कह रहे हैं कि जब आप इस्तिंजा करते हो, इस्तिंजा किसे कहते हैं कि जब बड़ा पेशाब करते हो तो पाक करते हो जगह को, इसको इस्तिंजा कहते हैं बेसिकली, ठीक है। चले ठीक है, अलगाइत जैसे अरबी में इसके लिए इस्तेमाल होता है गायत, ठीक है, बॉल पेशाब को कहते हैं गायत, पखाने को कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा गुसाला तो माइल इस्तिंजा, अब क्या कह रहे हैं, जो गुसाला होता है इस्तिंजा के पानी का गुसाला जो होता है, ठीक है ना, महकूमन बे हुक्म सायरुल गुसलात, इसका हुक्म क्या है? तमाम के तमाम नजिस है, गुसलात का हुक्म यानी कि नजिस है। वलाकिन ला यजिबु इस्तिनाबु अन मुलाकीहा इल्ला फी सुवरिन, इल्ला फी सुवरिन, कहने के वाजिब नहीं है बचना, अन मुलाकीहा, अगर ये किसी चीज़ से मिल जाए तो उससे बचना वाजिब नहीं, इल्ला ये कि ये चंद सूरतें हों, अगर ये चंद सूरतें हैं तो उस सूरत में बचना वाजिब है, अगर ये सूरतें नहीं है तो बचना वाजिब नहीं है, ठीक है ना। पहली सूरत क्या है? अंत तमय्यज़ा फीहा ऐनु निजासत, आपने मिसाल के तौर पर इस्तिंजा किया और जो पानी मिसल कर उछल कर निकला और आपके कपड़ों पर लग गया मिसाल के तौर पर, अब आया मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ उसे या नहीं? तो पहली सूरत क्या हम देखेंगे, इसमें ऐनु निजासत के ज़र्रात हैं या ज़र्रात नहीं है, अगर ऐनु निजासत के ज़र्रात नहीं है तो इसे इस्तिनाब करना ज़रूरी नहीं है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर ऐनु निजासत के ज़र्रात होंगे तो फिर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, जगहों को पाक करना ज़रूरी होगा, ठीक है, पहली सूरत ये होगी। दूसरी सूरत क्या है? अंत तगैर ब्याज औसाफ निजासत के लौन व तम व रह, दूसरी सूरत क्या है कि जो पानी वो जो था जो उछल कर आया मस्तन, उसमें रंग वो जायका तब्दील हो चुका, कोई एक भी वस्त तब्दील हो जाएगी तो वो नजिस हो जाएगा, उस वस्त के साथ आपके जिस किसी भी दूसरी चीज़ पे लगा तो उसे
नजिस कर देगा, चाहे आपका हाथ है, चाहे आपका कपड़ा है, या कोई भी चीज़ है। वाजियों की बात तीसरी सूरत अंतता नजासत मिन المخرج على لحم لا يذق معه الاستنجاء। क्या कह रहे हैं कि निजासत जो है वो तादी कर जाए, मिसाल के तौर पर किसी बेचारे को जो है ना वो बीमार हो जाए और उसे पेचिस लग जाए, तो अब क्या है कि निजासत का मकाम मुतादी हो गया है। तो इस सूरत में अब अगर कोई इस्तिंजा करता है तो इसका जो पानी होगा उससे इज्तनाब करना ज़रूरी होगा, ठीक है। अंततादा और निजासत, और निजासत जो है ना मुतादी हो जाए यानी बढ़ जाए, ठीक है ना, फैल जाए, मिनल मखरजी फैल जाए, मिनल मखरजी उस मखरज से अलाना में इस तरीके से मुतादी हो जाए, फैल जाए, बढ़ जाए कि लायस्तुकुम अल इस्तिंजा, कि जिसके साथ इस्तिंजा सादिक ही ना आ रहा हो, ठीक है ना। और रबिया अन तुसीबहा निजासतुन उखरा मिन अद्दाखिल, चौथी चीज़ क्या है कि वो तो पाक था, मिसाल के तौर पर वो जो उछल के निकला ना उसका रंग ज़ायका तब्दील था, ना उसमें निजासत के ज़र्रात शामिल थे, और ना ही जो है ना मुतादी हुई थी निजासत, लेकिन बाहर से खून का कतरा मिसाल के तौर पर उसमें मिल गया किसी भी तरीके से, तो बाहर से कोई और निजासत मिल जाए तब भी उसे इस्तेनाब करना जरूरी होगा। अंतुसीबा कि उसको मिल जाए निजासत, एक दूसरी निजासत नौकरा, एक दूसरी निजासत मैंने दाखिल से बाहर से नहीं कहने, दाखिल से कहने का दम बवासीर, मिसाल के तौर पर किसी को बीमारी हो, बवासीर की बीमारी हो, से दाखिल बाहर की खारिज की बात नहीं करें, जो मैंने मिसाल दी वो गलत थी, दाखिल की मिसाल के तौर पर पाक कर रहा है और बेचारे को बवासीर की बीमारी है तो खून निकल रहा है, तो खून निकल रहा है तब उसके जर्रात शामिल है उस पानी के अंदर, तो भी क्या हो जाएगा वो नजिस हो जाएगा। अच्छा अब इल खारिज, खारिज की दूसरी भी मिसाल आ रही जो पहले थी, खारिज या खारिज से मिल जाए या दाखिल से मिल जाए, का मुलाकात इब्रीक नजीस, जैसे मिसाल इब्रीक कहते हैं लोटे को या जग को जिसके जरिए से पानी डाला जाता है, पहले भी इब्रीक खाते, ठीक है ना, का मुलाकात इब्रीक नजीस, जैसे मिल जाए किसी नजीस लोटे से या नजीस जग से। मानियों और बाउन तख्तलिफ कैफियत व तत्हीरी बख्तिलाफ मुतनजिसात व मा तनजसत बिही वल मियाह व हाजा तफसील। अब ये बयान कर रहे हैं इस लाइन के अंदर, ठीक है, पाक करने की जो कैफियत है कि कोई चीज़ कैसे पाक होगी वो मुख्तलिफ है निजासतें और मुतनजिसात के एतबार से। निजासत हमारे पास कितनी है, 11 निजासत, गिनवाओ तो सही मुझे, 11 किताब में 12 मुताहरात 12 है भाई, निजासत तो 10 है, दो नई आप लोगों ने इजाद की है। मुताहरात 12 है, इसमें खल्क करें निजासत 10 है, ठीक है, 10 निजासत है और 10 का अलग अलग हुक्म है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ पानी खून से नजीस होती है तो एक दफ़ा धोने से पाक हो जाएगी, फिर अगर पेशाब से नजीस होती है तो 2 मरतबा धोने से पाक होगी। फिर इसमें भी फ़र्क है कि मिसाल के तौर पर कोई बदन या लिबास नजीस हुआ है या बदन लिबास के अलावा कोई चीज़ नजीस हुई है, ठीक है, या फिर इसी के जरिए कोई मेहता के जरिए से नजीस हुई है, कोई सुअर के जरिए से नजीस हुई है, तो सबके अलग अलग हुक्म है, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग भेज चुका था, मुझे ठीक है, रिकॉर्डिंग कल सुन के आइएगा, बस अभी सुनूंगा आपको जी। अभी कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ लीजिए, गर्मी हाँ गर्मी हो गई ना, तो कोई सवाल नहीं, 13 मिनट का।